अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो करते हैं जी आज का व्लॉग स्टार्ट। आज मंडे है और आज सबसे पहले मैं ऑफिस नहीं जा रहा, उसकी वजह ये कि सैफ का दूध ख़त्म हो गया और अभी सबसे पहले जाएंगे मेडिकल स्टोर पे और वहाँ पे जाके सैफ का दूध लेके आएंगे। ये लकी लानत वाला आ गया है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस है। मेरी जान आज से तू वो की मेरा ख्याल है सुपरस्टार बने हैं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। तो गाइस दूध लेके मैं आ चुका हूँ और अभी सैफी मुझे बा 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 कर रहे हैं और अभी ये है कि हसन बाहर आ चुका है, निकलते हैं ऑफिस के लिए और आपको रास्ते में ज्वाइन करते हैं। बहुत ही मज़ेदार व्यू आ रहा है यहाँ पे, ग्रीनरी है बहुत ज़्यादा और सनशाइन है जिसकी वजह से जो सूरज पड़ रहा है ना वो घास पे, ये सारी अभी जौन सा ना गंदम लगी हुई है कुछ जगह पे और कुछ जगह पे जौन सा ना अभी क्या कहते हैं वो चारा नहीं होता जो बकरों बकरियों का चारा वो लूसन वगैरह ये सारा लग चुका है यहाँ पर। तो ये जो अभी थोड़ा थोड़ा है जो आप लेस ग्रीनरी देख रहे हैं ये गंदम है और जो ज़्यादा ग्रीनरी में आप देखेंगे वो चारा है लोशन वगैरह लगा हुआ। तो माशाल्लाह बहुत ही ब्रेथ टेकिंग ये है व्यू है, आप भी इंजॉय करें, मैं भी इंजॉय करता करता ऑफिस ही जा रहा हूँ। और सनशाइन बहुत ही लेवल की है आजकल, बहुत ही मज़ा आ रहा है सनशाइन में। तो जी वेलकम बैक हो गया उस हैदली का, ये खबीस आ चुका है और आपको मैं दोबारा से मिलवाता हूँ। हाँ भाई ये उधर से क्या खा के उल्टियाँ करके आया बताना जरा यार, आप और चीज़ खोल देते। बताओ बताओ बताओ, इसने चुपके से कुछ गंदा खाया था वहाँ पे, ना मामा को बताया ना किसी और को, और कह रहा था जी मैं चुपके से खा के आ गया था रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे कितने बजे, सुबह 4 बजे जनाब ने उल्टियाँ पोटियाँ। हाय हाय गंदा है तू, तू बहुत ही गंदा है तू। तो अब तबीयत बहुत बेहतर है इसकी, अभी जा रहा है शॉप पे, 2-4 चीज़ें मंगवाई हैं, आता है तो अभी जस्ट आए हैं लोग, 8:30 हो रहे हैं तो अभी के लिए आज के लिए इसको माफ़ी देंगे हम, छुट्टी देंगे इसकी ताकि ये जाके नहाए पहले, बहुत ही बू आ रही है इससे उल्टी की। ठीक है बेटे मैं हर रोज नहाता हूँ और मैं दिखाता भी हूँ। हाँ भाई आ गया है, तेरे आने से पहले मैंने कैमरा ऑन रखा हुआ है सारी चीजें। ये तो होता है यूट्यूबर की आसपास। चले यार मैं जा रहा हूँ, नहीं नहीं करने जा रहा हूँ मैं तो। चलो ना आके आओ फिर है। तो जी अब फाइनली रात का खाना आ चुका है, तकरीबन नहीं पूरे 9 बज रहे हैं। हमारे पास आज वाइट चावल है, शामी कबाब है और साथ है हमारे पास दाल चना जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट है, और साथ है अचार और उसके बाद है मीठे में इसको क्या कहते हैं मुझे नाम नहीं आ रहा। तो जी फाइनली अब बारी आती है डोर लॉक करने की और मेरे मुंह से ये धुआं निकल रहा है, इसका मतलब है ठंड पड़ गई है काफ़ी पहले से। ओहो ये बजीज जौन सा ना ऐसे ही पड़े हुए हैं, इनको भी जौन सा ना हम जाके तो देखते हैं क्लियर करते हैं। और मेरा कैमरा थोड़ा सा साफ़ नहीं था तो मैंने कैमरा साफ़ कर लिया और अब डोर लॉक करते हैं कि बारी आ जाती है। और चलते हैं अंदर और देखते हैं आज फर्दर क्या है और क्यों है, क्या है क्यों है पता नहीं, क्या है क्या नहीं है। किचन से कप लेने, एक कप और एक चम्मच, रात को ज़रूरत पड़ जाती है कभी चाय पीनी हो तो पिक कर लेते हैं। तो जी अब ये मैंने आगे दिखाया था आपको, ये विंडो को क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते, उसकी वजह ये है कि इनको ठंड ना लगे बजीज को।
और इनके ऊपर चादर भी देनी है अभी। खाना खा रहे हो भाई हैं? वो अंदर ही बैठी रहती है, उसका पता नहीं क्या सीन है। हाँ भाई क्या जाती है तुम? तो अभी इन पे दे देते हैं चादर, पानी इनका पूरा है, दाना इनका पूरा है। ये अपनी मस्तियों में एंजॉय कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी, और हम एंजॉय कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी। अभी ये है कि इनको कवर अप करते हैं, मैं एक हाथ से कवर करने की कोशिश करता हूँ लेकिन मुश्किल हो जाएगा। इनको कवर कर दिया सारा, और अब चलते हैं हम अपने रूम में और लाइट्स में ऑफ कर देते हैं इनकी, क्योंकि इन्होंने सारा दिन बहुत ज़्यादा खा लिया, अब इनको रेस्ट की ज़रूरत है। और इस रूम की भी लाइट ऑफ कर देते हैं और अब चलते हैं अपने रूम में। और यहाँ की भी ऑफ कर देते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा था ना कि गंदम सॉरी फसल आ चुकी है चावल की, तो ये यहाँ पे भी लगवाई है। अभी एक दो दिन में इसको हम उसमें बोरों में डलवा के तो इसको रखेंगे। तो अभी चलते हैं जी अपने रूम में, डोर वगैरह सब लो के और चलते हैं। तो गाइस यहाँ अभी चल रहा है नेदरलैंड और दूसरी कौन सी टीम है, स्नेगल, नेदरलैंड और स्नेगल। और हाफ टाइम हो चुका है, दोनों में से किसी ने गोल नहीं किया। मैं पर्सनली नेदरलैंड के साथ हूँ, आपको पता होगा क्यों। तो अभी जो सा ना वो हाफ टाइम चल रहा है, उसके बाद अभी दोबारा से हाफ टाइम शुरू होगा। तो इस आज का व्लॉग हम यहीं पे करेंगे एंड, मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो मिलते हैं कल।